अनगिनत सितारे, ग्रह, नेबुलास, ब्लैक होल्स, कॉमेट्स, ऐसे कई रहस्यों से भरा पड़ा है हमारा यूनिवर्स। क्या कोई तरीका है इन रहस्यों को सुलझाने का, उनके पास जाने का? कैसा है उनका स्वरूप? कैसे क्रिएट होता है ये यूनिवर्स? कैसे जन्म लेते हैं सितारे? कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत? क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है या फिर यूनिवर्स में भी कई दुनियाएं मौजूद है? इन सब सवालों का शायद एक ही चीज जवाब दे सकती है और उसे कहते हैं टेलीस्कोप। और आज हम इसी टेलीस्कोप की कहानी शुरुआत से जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, यानी अद्भुत खगोल शास्त्र। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में सवाल पूछा था कि टेलीस्कोप की खोज किसने की और सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है। बहुत सारे लोगों ने एकदम करेक्ट जवाब दिए है। उन सभी एस्ट्रोनॉमर्स को उनके एफर्ट्स के लिए मेरा सलाम। तो चलिए जानते हैं टेलीस्कोप के खोज के बारे में। तो हाँ दोस्तों, जोहान लेपरशे, जिसे जर्मन में हैंस लेपरहे भी कहते हैं, ये जर्मनी में रहने वाला एक स्पेक्टेकल मेकर यानी चश्मे बनाने वाला था। एक दिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक लेंस के आगे दूसरे लेंस को रख के उसमें से देखा तो उसे पता चला कि चीजें नजदीक दिख रही है, तो उसने उसे नाम दिया डच पर्सपेक्टिव ग्लास। आगे जाके जियोवानी डेमिसियानी नाम के मैथमेटिशियन ने इस यंत्र का नाम दिया टेलीस्कोप, जो आज तक हम यूज करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, 1610 तक ये टेलीस्कोप्स दूर की चीजें देखने के लिए यूज होते थे, पर 1610 में एक महान इंसान ने इसे आकाश की ओर घुमाया और पहली बार यूनिवर्स के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गैलीलियो गैलीले की। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को एनहांस किया और उस समय की सबसे अच्छी और बहुत दूर तक देखने वाली टेलीस्कोप बनाई, जिससे उसने बहुत सारी चीजें देखकर उसके निरीक्षण अपने बुक में भी लिख दिए हैं। गैलीलियो ने चांद के क्रेटर्स मतलब विवरों को भी देखा है। शुक्र की कलाओं को भी गैलीलियो ने ही पहली बार देखा है। गुरु के उपग्रह भी गैलीलियो ने सबसे पहले देखे, और शनि के वलय को तो उसने कहा कि शनि के कान है या शनि ट्रिपल प्लैनेट है। गैलीलियो के इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से ही आगे जाके केपलर और न्यूटन ने ग्रहों के गति का ऑब्जर्वेशन करके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और ग्रहों के गति के नियम यानी प्लैनेट्स के मोशन के रूल्स को खोजा है। दोस्तों, मजे की बात है कि टेलीस्कोप को गैलीलियो ने खोजा नहीं है, पर फिर भी आज तक टेलीस्कोप गैलीलियो के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद सर आइजैक न्यूटन को ये लेंस के टेलीस्कोप में यानी गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कमी नजर आई। लेंस से आने वाला प्रकाश यानी लाइट प्रिज्म इफेक्ट पैदा करता है, और तारे या ग्रह का एक्चुअल कलर हमें ना दिख के सात रंग मतलब 7 कलर्स अलग अलग शेड्स में दिखते थे। तो इसका क्या किया जाए? फिर सर आइजैक न्यूटन ने अपने खुद की टेलीस्कोप की डिजाइन बनाई, जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप से जानी जाती है। अगर हम लेंस के टेलीस्कोप की रचना देखें तो वो बहुत ही सिंपल होती है, जो आप घर में भी बना सकते हो। एक कॉन्वेक्स लेंस आगे रखना है और एक छोटा कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस पीछे रखना है। तो ये हो गई सिंपल रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। पर न्यूटोनियन डिजाइन अलग होता है, जिसमें कॉनकेव मिरर यानी अंतर्वक्र आईना यूज होता है, जिसे प्राइमरी मिरर भी कहा जाता है। उससे रिफ्लेक्ट होके लाइट जाता है एक 45 डिग्री एंगल के फ्लैट मिरर में, और वहां से 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होके जाता है मेन आईपीस में, जहां से हम देखते हैं। इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि मिरर यूज करने की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होता था और प्रिज्म इफेक्ट नहीं होता था, तो ग्रह और तारे उसके परफेक्ट कलर में क्लियर दिखते थे। और इसका श्रेय पूरी तरह से जाता है सर आइजैक न्यूटन को। इसलिए इस टेलीस्कोप के टाइप को न्यूटोनियन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप भी कहते हैं। उसके बाद कई सालों तक बड़े बड़े टेलीस्कोप बने जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप ही थे, पर इस न्यूटोनियन टेलीस्कोप की भी एक खामी थी कि अगर हमें ज्यादा दूर की चीजें देखनी है तो उतना बड़ा टेलीस्कोप बनाना पड़ता है, यानी लंबा टेलीस्कोप बनाना पड़ता था। इसलिए आगे लॉरेंट कैसेग्रियन, इस फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ने कैसेग्रियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, जिससे टेलीस्कोप की लेंथ यानी लंबाई लगभग आधी हो गई। इसकी रचना ऐसी होती है, जो मेन कॉनकेव मिरर होता है उसमें एक होल होता है, और मिरर पे पड़ने वाला लाइट ऊपर के कॉन्वेक्स मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होके मेन मिरर के होल में से बाहर निकलकर आईपीस में चला जाता है, जहां से हम देखते हैं। तो ये डिजाइन बहुत पॉपुलर हुआ और आगे आज तक इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, पर आज तक का सबसे यूजफुल डिजाइन यही कैसेग्रियन माना जाता है। तो ये था टेलीस्कोप की हिस्ट्री और रचना के बारे में।
अब जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेलीस्कोप्स के बारे में। तो दोस्तों, बड़ा टेलीस्कोप मतलब एग्जैक्टली क्या? टेलीस्कोप में एग्जैक्टली क्या या कौन सा पार्ट बड़ा होना चाहिए? तो वो होता है प्राइमरी लेंस या फिर प्राइमरी मिरर। प्राइमरी मिरर या लेंस जितना बड़ा, यानी उसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा, उतना टेलीस्कोप ज्यादा दूर तक देख सकता है। तो अगर आपको कोई टेलीस्कोप खरीदना है, बाय करना है, तो आप क्या चेक करोगे? फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा, उतनी बड़ी और दूर की चीजें वो देख सकता है। तो देखते हैं लेंस यूज किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है, मतलब गैलीलियो के टाइप का लेंस वाला रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। तो वो है द यर्केस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो सन 1890 में बनाया गया था। ये टेलीस्कोप शिकागो के पास विस्कॉन्सिन शहर में मौजूद है। इसका जो लेंस है वो 40 इंचेस बड़ा है, यानी लगभग 1 मीटर डायमीटर का लेंस है। और उसकी लेंथ यानी लंबाई है, टेलीस्कोप की लंबाई है 60 फीट, यानी 18 मीटर्स लंबा है ये टेलीस्कोप। और जिसका वेट है 20 टन, इतना भारी भी है टेलीस्कोप। हाँ, पर ये रिफ्रैक्टर यानी लेंस से बना सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। अभी देखते हैं कुछ रिफ्लेक्टर्स यानी मिरर्स से बने हुए टेलीस्कोप्स को। तो दुनिया में जो सबसे पहले और सबसे अच्छा बनाया गया रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है हेल टेलीस्कोप, जिसका नाम जॉर्ज एलरी हेल नाम के एस्ट्रोनॉमर पे रखा गया है। ये विल्सन एंड पैलोमर माउंटेन पे स्थित है और ये टेलीस्कोप 1949 में बनकर कंप्लीट हुआ, जिसके मिरर का डायमीटर है 200 इंचेस यानी 5.1 मीटर्स, और जिसकी फोकल लेंथ है 55 फीट। मतलब हम अगर 10 मिलीमीटर के आईपीस से अगर इस टेलीस्कोप में से देखेंगे तो हमें कोई भी चीज 55 फीट यानी 55 × 300 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1650 टाइम्स, मतलब 1650 गुना बड़ी दिखेंगी। ये देखिए, ये ओरायन नेबुला जिसे कहते हैं, जिसकी तस्वीर हेल टेलीस्कोप से 1959 में ली गई है। ये अगर हम आकाश में खुली आंखों से देखेंगे तो सिर्फ एक छोटा सा तारा नजर आता है मृग नक्षत्र में, जो इसमें 1650 गुना बड़ा दिख रहा है। इसके बाद बहुत सारे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स हैं, जैसे कि लार्ज जेनिथ टेलीस्कोप जो 6 मीटर्स डायमीटर का है, BTA टेलीस्कोप भी 6 मीटर्स डायमीटर का है, देन मेलेगन 1 और 2 जो 6.5 मीटर्स डायमीटर के है, देन MMT जो भी 6.5 मीटर्स के डायमीटर का ही है, देन जेमिनी नॉर्थ एंड साउथ ऐसे 2 टेलीस्कोप्स जो 8.2 मीटर्स के है, देन साल्ट साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप जो 9.2 मीटर्स का है। पर सबसे ज्यादा फेमस है केक टेलीस्कोप्स, जो हवाई यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, और दोनों टेलीस्कोप्स के मिरर के डायमीटर्स है 10 मीटर यानी 33 फीट, और इसकी फोकल लेंथ है 57.5 फीट। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि हेल टेलीस्कोप की फोकल लेंथ 55 फीट है और केक टेलीस्कोप्स की 57 फीट है, तो दोनों के मैग्निफिकेशन में तो ज्यादा अंतर नहीं है, तो 10 मीटर का मिरर इतना बड़ा बनाने का क्या फायदा हुआ? तो ये बात जान लीजिए कि जितना बड़ा मिरर उतनी उसकी क्लैरिटी यानी इमेजेस ज्यादा क्लियर होंगी। अगर हम वही सेम ओरायन नेबुला केक टेलीस्कोप से देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर दिख रहा है, करेक्ट? इसके बाद आता है GTC ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनारियाज, जो स्पेन में मौजूद है और जिसका प्राइमरी मिरर डायमीटर है 10.4 मीटर्स। तो अभी आप कहोगे कि ये तो केक टेलीस्कोप से थोड़ा सा ही बड़ा है, पर इसकी फोकल लेंथ है 557 फीट, 557 फीट। मतलब इससे हमें चीजें 557 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइड बाय 10 मिलीमीटर के आईपीस से अगर देखेंगे तो 16,700 गुना बड़ी दिखेंगी, 16,700 टाइम्स बिग। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप भी है, मतलब एक सलग आईना अगर किसका बना हुआ है तो वो है ग्रैंड टेलीस्कोप का। पर फिर भी एक चीज है जो पृथ्वी के टेलीस्कोप को क्लियर इमेजेस देने से रोकती है, वो है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, जिसमें धूल मिट्टी और गैसेस के कारण हम तक पहुंचने वाला स्टार का लाइट ब्लर हो जाता है। तो इस समस्या को कैसे हल किया जाए? तो इसका हल साइंटिस्ट ने सिंपल निकाला कि क्यों ना टेलीस्कोप को ही अंतरिक्ष में भेजा जाए, तो ये धूल एटमॉस्फेयर और गैसेस की तो बात ही नहीं रहेगी। तो 24 अप्रैल 1990 में हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में छोड़ा गया और तारों के जीवन
ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, ऐसे कई सारे चीजों का हमें खजाना मिल गया। हबल की इमेजेस हमारे पृथ्वी की किसी भी टेलीस्कोप से क्लियर होती है, क्योंकि वहां बीच में आने वाले बैरियर्स कुछ भी नहीं है। तो अगर हम हबल टेलीस्कोप से वही ओरियन नेबुला देखेंगे तो देखिए कितना क्लियर और क्रिस्प इमेज आ रहा है। पर दोस्तों, सैड न्यूज ये है कि हबल टेलीस्कोप अभी कुछ ही सालों का मेहमान है, वो अगले 10 से 30 सालों में पृथ्वी पर आ गिर जाएगा। तो दोस्तों, हबल की जिंदगी के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी और हिस्टोरिक टेलीस्कोप को सिर्फ दो लाइंस में नहीं नापा जा सकता। और अब आखिर में आता है लार्ज बाइनाक्यूलर्स टेलीस्कोप, जो माउंट ग्रहम एरिजोना में स्थित है। इसके दोनों मिरर्स के डायमीटर्स है 8.4 मीटर्स। तो आप सोचो कि 8.4 मीटर्स, मतलब ये तो 10.4 मीटर्स से तो कम ही है। पर दोनों को जब सेंटर्स पे केंद्रित किया जाता है तो इसका डायमीटर बन जाता है 11.8 मीटर्स, जो पृथ्वी पर स्थित किसी भी अन्य टेलीस्कोप से सबसे ज्यादा है। पर इसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम है, 31 फीट। पर फिर भी ये हबल टेलीस्कोप जितनी क्लियर इमेजेस लेने की क्षमता रखता है। तो ये था पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा टेलीस्कोप। अब आप कहोगे कि गूगल में हमने सर्च किया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप में चाइना का स्काई आई टेलीस्कोप दिखता है। हाँ, करेक्ट है, पर वो रेडियो टेलीस्कोप है, जिसे फास्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो टेलीस्कोप से हम स्टार्स या प्लैनेट के डायरेक्ट पिक्चर्स नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें स्टडी करते हैं, जैसे कि किसी तारे या ग्रह में कौन से धातु मौजूद है, ग्रह किससे बना है, तारों की उम्र क्या है, तारा कितना बड़ा है, वो कितना दूर है। ऐसी सब चीजें हमें रेडियो टेलीस्कोप से ही पता चलती है। उसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल, तो सवाल ये है, हबल टेलीस्कोप का डायमीटर और फोकल लेंथ क्या है, और कौन सा टेलीस्कोप आगे हबल की जगह लेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और टेलीस्कोप्स के बारे में आज इतना ही, तब तक के लिए खोजते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।